नमो अहंकारम नमो सिद्धारम नमो आर्याणम नमो वैख्यायारम नमो सब साहूरम शुद्धात्मानमेकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्धार्थम संदृष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुमकुंदाचो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगलमांगलिं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकल्यात्मने सालोकानां सुलोकानां यद्विद्यादर्पणायते सर्वव्यापैच्छिद्रूपाय स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। अरस मरु मगंधम अबत्तम छिद्रणा गुणमशब्दम ज्ञान अलिंग ग्रहणम जीव मंडित संठानम। मिथ्या अटकलों में मत पड़े रहो, मिथ्या अनुमान मत करते रहो। देखो, अनुमान ज्ञान सम्यक भी होता है, अनुमान ज्ञान मिथ्या भी होता है। बाहर से देखने पर भ्रांति भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। बाहर की बातों का एक नियामक संबंध मत जोड़ देना। आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है। आचार्य भगवान ने जो आपके अंदर की बात कही वह अनुमान से नहीं कही है, अपने स्वानुभव ज्ञान की स्वच्छता में प्रत्यक्ष देख करके कहा है। अब आचार्य महाराज कह रहे तो होगा, ये तो सत्य भक्ति धनी है। अरे तो भी तो हैं, लेकिन तुम दर्शाऊं तो करना प्रमाण। होगा कहने से शांति नहीं है, कहने से शांति मिलेगी। अब स्वर्ग में सुख होगा, मोक्ष में सुख होगा, ऐसा लगता है जैसे वैसे ही कह रहे हो। पाप सुख का कारण होगा, पुण्य सुख का कारण होगा, बस होगा। नहीं, तत्वों के संबंध में अपने आप निर्णय करो आगम के आलोक में, और आपका जो निर्णय है वह आगम से मिलना चाहे। एक दृष्टांत दिया था पहले, देखो कोई विद्यार्थी हो गणित का, वह गणित का सवाल कोई उत्तर देख देख करके हल तो करता नहीं, लेकिन उसका उत्तर उत्तर माला से मेरे बिना रहता ही नहीं, अपने आप मिल जाता। आप प्रश्न का उत्तर अपनी बुद्धि से लिख रहे, अपने समझ से लिख रहे, लेकिन आपका उत्तर उत्तर माला से अपने आप मिल जाता है। मिलाना नहीं पड़ता, मिल जाता है। कभी कभी तो बिना मिलाए विश्वास बैठता है, वो तो ऐसा ही है। देख लो, ऐसे ही अगर स्वभाव दृष्टि होगी तो आपकी परिणति आगम के अनुसार ही होगी, आगम के विपरीत नहीं होगी, निश्चित नहीं। भले आचार्य छद्मस्थ थे, लेकिन ऐसे छद्मस्थ नहीं थे अज्ञानी छद्मस्थ। छद्मस्थ के कितने गुणस्थान होते हैं कर्णानियों से, पहले से लेकर बारहवें गुणस्थान तक छद्मस्थ है। अब आप सोचो, ज्ञानी भी छद्मस्थ और अज्ञानी भी छद्मस्थ, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? मत सुता बध्यो बर्यस्य, मत सुत अवध ज्ञान विपरीत भी होते, विपरीत ही होते, ऐसा नहीं, विपरीत भी होते। विपरीत कैसे कब हो जाते हैं, कैसे होते हैं,
कि सच तो रवि से साथ यद रक्षोपलब्धि रुन्मत वत, सत असत के विवेक बिना उन्मत्त जैसी चेष्टा होती है। अगर हम दूसरी भाषा में कहें, सम्यक दर्शन के साथ भी मत सुत ज्ञान भी सम्यक हो गए और सम्यक दर्शन के बिना भी मिथ्या हो गए। जिसका आप अभिमान करते हैं कई बार, आप पढ़ लेना क्या लिखा है, या ही प्रतीत कछु ज्ञान सो दुखदायक। अज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान के अभाव को अज्ञान कहते हैं। तो महाराज इस ज्ञान को अज्ञान क्यों कह रहे हो? कि इस ज्ञान में आत्मा से ज्ञान का अभाव है, आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान नहीं अर्थात मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान में हित अहित के ज्ञान का अभाव है। सत सो रवि से साथ, हित को अहित माने बैठे हैं, अहित को हित माने बैठे हैं, पराये को अपना माने बैठे हैं, अपने को पराया माने बैठे। जब आत्मा की चर्चा चलती है मानो किसी और ही की बात है, और पुद्गल की चर्चा ये तो मेरी कथा अपनी बात है। एक बार तुम्हें याद है हमने पूछा था, छेड़ा ला की पैड़ी लाल में किसके दुखों की कहानी है? अपने को ज्यादा होशियार समझने वाले जल्दी से कह देते हमारी कहानियां, जबकि छेड़ाला में क्या लिखा है? भूल आपको भरमत बात ताश भ्रमण की है बहु कथा। ये अपने को भूलने वाले की कथा है, आत्मा की कथा नहीं, आत्मा को भूलने वाले की कथा है। लिखा है कि नहीं? भूल आपको भरमत बाद ताश भ्रमण की। अरे जो अपने को भूलता है वही तो भ्रमता है। अब यहां अपना माने क्या समझ लेना, स्थूल सूक्ष्म जो कुछ भी हो अपना लक्ष्य भूल जाता है। कई बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, ठीक है, अब पिताजी अपने आराम से भेज रहे, तुम तो खूब पढ़ो आराम से, पैसा जितना चाहिए भेजो, भेजते जाओ, पिताजी पैसा भेज 5,000 दे दें, आओ डाल। अब लक्ष्य अगर भूल गए हम पढ़ने के लिए आए हैं और पढ़ गए उल्टे सीधे कामों में किसी चक्कर में, जिंदगी बर्बाद। और लक्ष्य पर ध्यान रहता है हम पढ़ने के लिए आए हैं। फालतू बातें करने के लिए नहीं आए। भगवती आराधना में मुनराजों से कहा, हे साधु तुम दीक्षा के समय के परिणामों का ध्यान रखना, काय के लिए दीक्षा ली थी तुमने, ये करेगी दीक्षा ली थी। भरतरी से शुभचंद्राचार्य ने यही तो कहा, काय घर से आए काय के लेते, सोना तो घर पर भी बहुत था, सोना बनाने की कला करने के आए थे कि सोने का मोह छोड़ने के लिए आए थे? महाराज हमारी मेहनत बेकार कर दी, अरे ले हो देखो वो शिला सोने की हो गई। धर्म का फल वांछाएं पूरी होना नहीं, वांछाओं का अभाव होना है। दृष्टांत बोलो, अरे वैद्य के पास जाने का, औषधि सेवन करने का फल, मीठी मीठी गोली खाने को मिलना, मौसमी का रस पीना, ये थोड़ी ही उसका फल है। रोग का अभाव होना है, आराम से मीठी मीठी गोलियां मिलती रहे और बस वो तुम्हारी कनम मौसमी के और रस मिलते रहे और चार जने पूछने वाले मिलते रहे, कैसी तबीयत है, कैसी तबीयत है, कैसी, ये कोई फल है?
अरे तुम ही अपनी सोच लो, किसी दिन कल आके लेटे हो और सवेरे शाम तक पूछने आते रहे कैसी तबीयत कैसी, तुम्हें आफत आ जाएगी, तुम एक दिन नहीं जी पाओगे। या कितनी बताएं, किसको बताएं, किस किस को बताएं, एक बोर्ड लगा दो तबीयत खराब बस खत्म। अब किस किस को बताएं क्या, देख लो ये कर लिखा है। अब तबीयत खराब है, अब धीरे धीरे ठीक होगी। अब तो कैसी तबीयत है, कैसी तबीयत है, कैसी तबीयत है, क्या छूमंतर है, ऐसे ही यहां सोच लेना। इच्छाओं की पूर्ति होती रहे और इच्छाएं बढ़ती चली जाए, इच्छाएं बढ़ती चली जाए, ये धर्म का ज्ञान का फल नहीं है। एक शब्द पड़ा है परम भाव अफल होता है, अफल दृष्टि। अफल दृष्टि माने फल की वांछा नहीं गई, वांछा ही मिट गई, ये फल हुआ। और कोई दृष्टांत दिया था तुम्हें, एक व्यक्ति को थोड़ी सी खांसी वांसी थी, शुद्ध किसी ने कह दिया वो एक्सर निकलवा के देखो, टीबी तो नहीं है, इतने दिन हो गए खांसी क्यों नहीं मिट रही, तो हो गया और वो एक्सर निकलवाया, उसमें फिर दिखाया बोले कुछ नहीं खांसी वांसी, अरे 50 रुपया 100 रुपया बेकार गए, बेकार एक्सर निकलवाया। अरे बेकार नहीं निकलवाया, भ्रम मिट गया, ये जिनवाणी हमारा भ्रम मिटाती है। जिसको हम सुख मानते हैं वह सुख नहीं देती, उस सुख में सुख की भ्रांति मिटा देती जिनवाणी। इंद्रियने सुख सुख नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति से लगने वाला सुख सुख नहीं है, सुख तो इच्छाओं के अभाव में होता। भ्रांति मिट जाना, और भ्रांति मिटी शांति आई, खत्म हो गई। अशोक चंद्र को महिमा आ गई, ओ महाराज हमारी भूल थी, हम सोने के पीछे थोड़े, आपका मार हे प्रभु जिन्हें सब दीक्षा प्रदान करो। वही कह रहे थे थोड़ी देर पहले, हमारी मेहनत बेकार गई, 12 वर्ष की तपस्या आपने सब खराब कर दी और ये रस फैला दिया और ये हो गया। वे कहने लगी जेनी सब इच्छा प्रदान करो, स्वर्ग नहीं मिलता, स्वर्ग असार भाषित होते हैं। अज्ञानी जीव को नरक और प्रतिकूलताएं दुख रूप लगती हैं, लेकिन स्वर्ग और अनुकूलताएं सुख रूप लगती हैं। जिनवाणी का स्वाध्याय करने का फल ये है कि वे दुख रूप लगने लगे सुख रूप लगती थी। इंद्र एम इंद्र आदि के वैभव और भोग भी दुख रूप लगते हैं। तत्व ज्ञान तरंगणी में आया कि देखो भाई, जिसको चक्रवर्ती को देख करके दया आती है, दया आती है, हे भगवान कितना पढ़ो बेचारा। सच कह रहे, भीतर से देखना, बड़े बड़े आदमियों को जिनको आप बहुत सुखी और बड़ा मानते हो, उनको देख करके आपको दया आने लगेगी। ये सोचने लगोगे अरे अपन ही ठीक है, ठीक अपन नहीं है ज्ञान के बिना। लेकिन ध्यान रखना, ये लगने लगा इतनी टेंशन, इतनी बीमारी, इतनी उलझने, इनको खाने पीने तक की फुर्सत नहीं, आराम की फुर्सत नहीं, मिल बात करने की फुर्सत नहीं, या से तो अपन ही ठीक है। कभी कभी वे मिल मालिक मजदूरों को सोते हुए ऐसे देख करके मन चलाने लगते, क्या करें इससे तो हम अच्छे हैं, हमसे तो जी अच्छे हैं। जबकि अच्छा कोई नहीं, ज्ञान के बिना अच्छा समझ ही नहीं आया। तो सभी ये चर्चा की थी, क्या अटकलें मत लगाते रहो, किसी प्रसंग में मत लगाओ अटकलें, अटकलें लगाने की बातें बिल्कुल छोड़ दो जीवन में।
अनुमान लगाने की बातें बिल्कुल छोड़ दो। ना अटकलें लगा करके उत्तेजित हो, ना अटकलें लगा करके दुखी हो, अटकलें छोड़ दो। अनुमान मात्र अनुमेय मात्र नहीं है, आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। एक नियम साजी में बहुत सुंदर शब्द आया, स्वरूप प्रत्यक्ष है, आत्मा सकल प्रत्यक्ष विकल प्रत्यक्ष की बात न कहकर के क्या कहा, स्वरूप प्रत्यक्ष है। अब हाथी जिसने मुंडाज का उपदेश सुनकर के अपने को देखा था समझा था, अभी मुंडाज चले गए, बोलो उनकी आंखों से कब ओझल होते होंगे। गेह से ज्ञान तो होता नहीं, इसलिए गेह के हट जाने पर ज्ञान नष्ट भी नहीं होता। अभी आएगा इसमें, गेह के अवलंबन वाला उपयोग नहीं, ये जीव का स्वभाव नहीं। भी तो चले गए मुंडराज उपदेश दे करके, और अब इसके ज्ञान में वो मुंडराज सामने दिखते। एक कहावत तुमने सुनी होगी, सावन के अंधे को हरी हरा दिखाई देता, हरियाली देख करके अंधा हुआ है। तो आत्मा का निर्णय करके जिसको जिसने आंख बंद करी है उसको क्या दिखेगा, आत्मा आत्मा दिखेगा, अंधेरा तो तुम्हें दिखा। जिसने आत्मा का स्वरूप समझ करके निर्णय करके निश्चय करके आंख बंद की है, इस बाहर की आंख बंद कर दी, अब क्या दिखेगा, आत्मा ही आत्मा दिखेगा उसको। अब यहां एक और बात विशेष है कि आत्मा में एक स्वच्छत शक्ति और प्रकाश शक्ति के साथ, इसलिए न चाहने पर भी न विकल्प होने पर भी आत्मा दिखता है निजपने और पर पदार्थ भिन्नपने भाते थे उसकी स्वच्छता में। और नहीं तो आप स्वयं अपने जीवन से निर्णय कर लो, आपका नाम क्या लौकिक में क्या मोक्ष। अब आपको और सारे नाम दूसरों के दिखाई देते, हमारा नाम आपका नाम ही है, हाँ भाई नहीं नहीं हम नहीं, ये तो नाम किसी और का होगा, हमारा नाम तो ये। एक नाम में अहम पना आने पर दूसरे सारे नाम भिन्न दिखाई देने लगे कि नहीं, एक अपनी माँ दिखाई दी तो सब फिर भिन्न दिखाई देने लगी। माँ है कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी माँ है वो हमारी माँ नहीं है। एक स्थान में अहम पना होने पर दूसरे सारे स्थान दुनिया के परदेश और विदेश दिखाई देने लगे। तो एक आत्मा दिखने पर सब अनात्मा दिखाई देने लगे, इसमें क्या बात है। और आत्मा के जानने पर सुख जो प्रकट हुआ उसके सामने सारे सुख दुख दिखाई देने लगे, दुख में हुआ। जिस घेरे में घुसने के लिए भी तड़प रहे हैं वे उस घेरे से निकलने के लिए तड़प रहे। भूवों का घेरा ऐसा है, बाहर वाले ललचाल है। बाहर वाले का क्या अर्थ है, एक घेरा ऐसा थोड़ी है और बाहर वाले ऐसे घेरे के भीतर हैं। एक बाउंड्री खींची है और दीवार खींची और बाहर वाले माने वैरासन, बाहर वाले माने बैरात्मा। भूवों का घेरा ऐसा है, बाहर वाले ललचाव हैं। फंसने वाले भी पछतावे, सुख नहीं कोई बात। अब वो बेबी ललचा रहे हैं और बैरात्मा होकर के ही जो उन भोगों में फंस गया वो भी फंसता रहा है, अब निकलने के लिए छटपटा रहा है। कोई कहानी पढ़ी है तुमने,
उस समय तो संदूक में बंद होने में ये लग रहा था कि आप क्या करें, कैसे निकलेंगे, क्या होगा, भगवान जी क्या हो गो? और जो उस महिला की और पुरुष की चर्चाएं सुनी, क्यों किवाड़ कैसे खोले देर? अरे एक आदमी था उसको छुपा पाया तब किवाड़ खोले, झूठ बोल दी, मजाक कर दी। अरे मजाक कर दी तो जिसे देख लो। अब उनको ये लगने लगा मर गए, अगर कहीं देख लिया और निकाल रहा तो इतने पिटेंगे और क्या हो गए फिर, अब कहां से आ गए तुम? और थोड़ी देर बाद फिर नाटक बदल गया। तो पहले तो संदूक में बैठने में सोच रहे थे जी क्या हो रहा है, अब निकलने में आफत लगने लगी। ये सोच रहे इन क्या सुख होगा, भोगों के सुखों के लिए ललचा रहे और भोगों को दुख मान करके अब विरक्त होने के लिए छटपटा रहे, कैसे इससे निकल सकूं, हे भगवान कैसे निकलूं, कैसे? और कैसे निकलूं इसका उत्तर एक ही है, एक ही है, निकला हुआ है आत्मा, उसमें फंसा ही नहीं है, निकले कैसे? कभी मत सोचना तुम बड़े बड़े सिंहों वाले भैंसे हो ही नहीं गए हो, वो द्वार तुम्हारे निकलने लायक पर्याप्त है। इसी बुद्धि से इसी भाव से आप निकल सकते हो, ऐसा नहीं निकल सकते। इस मार्ग में कठिनता की कल्पना ही कठिनता है। क्या कहा? इस मार्ग में कठिनता की कल्पना ही कठिनता है, मार्ग कठिन नहीं है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, सम्यक दर्शन की अपेक्षा सम्यक चारित्र में अनंत गुना पुरुषार्थ है। सब सम्यक दृष्टि भी संयम को धारण नहीं कर पाती, चौथे गुणस्थान में कितने कितने वर्ष हो रहे थे, परंतु फिर भी सम्यक दर्शन को दुर्लभ कहा, संयम को नहीं। मुनिवर धार अनंत बार ग्रीव को प्या, अनंत बार भी हो सकता है बिना समझे, लेकिन सम्यक दर्शन धार अनंत बार नहीं हो सकता। क्यों? मार्ग समझ में आना ही कठिन है, मार्ग समझ में आने के बाद मार्ग पर चलना कठिन नहीं है, क्योंकि वो मार्ग आनंद रूप है, स्वाधीन है वो मार्ग। ये मार्ग स्वाधीन है, स्वाश्रित है। बड़ी सुंदर एक लाइन लिखी है इसी प्रवचन सार जी में, दुख ही परावलंबी भाव है, पर द्रव्य का अवलंबन कराता है। दुखी ही अवलंबन ढूंढता है, सुखी जीव को अवलंबन की जरूरत ही नहीं। अज्ञानी कहता है कोई शरण नहीं है, ज्ञानी कहते हैं हमें शरण की जरूरत ही नहीं। आदमी कहे यहां सड़क नहीं है, लेकिन तोता कह रहा है हमें सड़क की जरूरत ही नहीं, हम तो ऐसे उड़ जाएंगे, हमें क्या करना है। कोई मूढ़ होगा तोता, वो सोचेगा नली को छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन सच्ची स्थिति ये है नली को छोड़ देगा तो मुक्त हो जाए। नली ने उसे पकड़ा नहीं है, उसने नकली नली को पकड़ा है। शरीर ने तुम्हें अपना माना है कि तुमने शरीर को अपना माना है? एक हाथी ताली थोड़ी बजती है, एक तो बजाई गई है, एक से तो बजाई गई है, एक से ही बज रही है, एक तो ये खड़ा है, इसने आकर के बजाई है। एक हाथी ताली थोड़ी बजती है, बात किसी अपेक्षा सही है, दृष्टांत है वो, अब वो नहीं बज सकती, नहीं बज सकती, हत्या चले आप पीछे। आप अंतर में बढ़ते चले जाओ,
बाहर से हटते चले जाओ, कुछ नहीं बिगड़े होगा, कुछ कोई द्वंद नहीं होगा। सच्ची बात कि वहां भी वो पहुंच गया तो कि एक स्थिति ये है कि ये नहीं पहुंच पाएगा जहां तक ये पहुंचेगा। आपका उपयोग जहां पहुंच सकता है वहां तक ये सारे विकल्प नहीं पहुंचेंगे। बैठ लो ठन की ऊपर तुरंत पर द्रव्य आत्मा की सीमा में प्रविष्ट नहीं हो सकती। बाहर से बड़बड़ाने दो जो कुछ बड़बड़ाते हैं। बस सुदर्शन सेठ को रानी सबरे हाव हाव दिखाती रही, दिखाते रहे। वे तो देखनहार को देख रहे थे, जाननहार को जान रहे थे, भिनका करेगी सारे हाव हाव दिखा रही। अब दिखा दे रहे, रेपुण ने अपने ठाट क्यों दिखाता है किसे, पचकुल कर्म अपने ठाट क्यों दिखाता है किसे, किसे दिखा रहा है? जिसने अपने ठाट नहीं देखे उसी को ये ठाट आकर्षित करेंगे। हमें क्या आकर्षित करेंगे, हमने अपने ठाट देख लिया, हमने अंतर में अपना वैभव देख लिया है। अभी बाहर का वैभव हमें किंचित मात्र भी मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं। और ये आप जानते हो, एक के आश्रय से सील होता है, अनेक के आश्रय से सील नहीं होता। तो एक ज्ञायक भाव के आश्रय से ज्ञान होता है, अनेक के आश्रय से ज्ञान नहीं अज्ञान होता। वैसे ही थोड़े कह देते हैं जिसको तुमने ज्ञान माना वो ज्ञान नहीं है, जिसको सुख माना सुख नहीं है, कोई रटी टाई भाषा थोड़े है। सच्ची बात है, आपके अंदर में एक प्रश्न आ जाना चाहिए, ये ज्ञान नहीं है तो ज्ञान क्या है? हम तो समझ रहे ये ज्ञान है, आप कह रहे ये ज्ञान नहीं है अज्ञान है, तो फिर ज्ञान क्या है आपके लिए बताओ? अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, जिस ज्ञान में अपना ज्ञायक भाव जानने में आता है निज रूप से। पर पदार्थ भिन्न भाषित होते हैं, वह सुख दिखाई दिया उसके सामने सब दुख दिखाई देते, ये दुख है। और यह आत्मज्ञान सुख का कारण दिखाई दिया तो बाहर के जितने उपाय बस झूठे दिखाई देते हैं, दुख दुख के कारण दिखाई देते हैं। अपने आप बिन छुटवाए सभी छुटेगा, बिना मिलाए सभी मिलेगा। क्या कहा, बिन छुटवाए सभी छुटेगा, बिना मिलाए सभी मिलेगा। अरे निमित्त मिलाने नहीं पड़ते, निमित्त मिलते हैं। कोई चर्चा याद है आपको? अरे भक्ति हो तो भगवान मिलते हैं, भावना हो तो पात्र मिलते हैं, जिज्ञासा हो तो गुरु मिलते हैं। नहीं मिले हैं, इसमें भी हमारी कमी है। हम ऐसे क्षेत्र में क्यों आए? अरे भाई एक जंगल में पहुंच जा, यहां तो कुछ नहीं मिलता, तो आए काय को तुम यहां? ये सोच करके आते यहां कुछ नहीं मिलेगा। यहां तो कुछ नहीं, बाजार बाजार वो कुछ, अरे जरा सा साबुन नहीं मिलता, जरा सा चाट नहीं मिलती, जरा अरे तुम आए काय को? हमारे तीर्थंकर तो ऐसे स्थान पर गए जहां कुछ बाहर का नहीं। ये तो तुमने जुटा रखे थोड़े थोड़े साधन, और थोड़े थोड़े के राग में तस्ना ना गिनते हो तो रंग की। अरे वहां भी क्या कहें भैया, वहां की कैंटीने भी बेई और यहां की कैंटीनों में भी वही, अब क्या करोगे? बेई पैकेट, बेई चिल्लर, बेई प्रदूषण, बेई पैक बंद, वहां भी बेई और यहां भी बेई। क्यों, तुम्हारी दृष्टि वहां भी ऐसी, यहां भी ऐसी, तुम्हारी लालसा वहां भी ऐसी, क्यों? ये बिगाड़ा तुमने है,
आज शेखर जी की वंदना करने जाओ और 20 साल पहले गए हो तो सूना लगता था और जगह जगह पॉल्यूशन की प्रदूषण और बिस्कुट और वो जरा जैसे ऐसी लग करके बैठे ऐसी ऐसी टुकड़ा मेज लगा करके तखत लगा करके झोपड़ियां बना करके क्यों? अरे यात्री गए किसी बच्चे को प्यास लगी होगी उसने किसी को आवाज दे कही भैया पानी है यहाँ अरे बाबू जी बैठ गए तो उसके दिमाग में आ गई यहाँ तो पानी बिकेगा तो उसने पानी रख करके बैठ गया। अब पानी के संग में कही बिस्कुट ले आइए आओ बाबू जी कल बिस्कुट ले आएंगे हम बिस्कुट रखने लगा नमकीन भी ले आना नमकीन रखने लगा अगर वहां खरीदने वाला नहीं हो तो बेचेगा किसको ये बता वे तो बेचारे पीते नहीं वे तो उस बोतल का पानी नहीं पीते बोतल के पे क्या बोलते तुम्हारे ठंडे पंडे वो नहीं पीते कुछ नहीं पीते चाय नहीं पीते वो कुछ नहीं वे तो सचुआ ले उनने खा ले अपने ये तो मन चले लोगों ने बिगाड़ा है। इसलिए हम आपसे बार बार कहते गंदे आदमी ही गंदगी फैलाते गंदगी मत फैलाओ घरे में कूड़ा मत फैलाओ तीर्थों पर जाओ तो कुछ त्याग करके जाओ कभी यात्रा वंदना के लिए जाओ स्वाध्याय के लिए जाओ कहीं भी जाओ विकथा का त्याग करके जाना विकथाएं नहीं करेंगे तब मन लगेगा उन्हीं बातों में टाइम चला जाता है आधी बात आप आधी एक आदत पड़ गई चल रहे चल रहे चल रहे अब तो शुरू होगा मुझे एक आदत ही बढ़ जाती है ये कह रहे दुख ही परावलंबन कराता है सुखी व्यक्ति को पर के अवलंबन की जरूरत नहीं होती कितनी प्यारी लाइन है मेरो अवलंबन मुझमाही कितनी बढ़िया लाइन है ज्ञान विरोध मोह मम नाही मेरो अवलंबन मुझ मैं त्रिकाल करनी सो न्यारा चित विराज पद जग उजार राग विरोध मोह मम नाही मेरो अवलंबन इन भगवंतों को हस्तावलंबन कहते हैं इन संतों को हस्तावलंबन कहते हैं हस्तावलंबन जानते हो गए हस्तावलंबन क्या मतलब है उसका दृष्टांत आपने दिखा है कहीं अरे एक व्यक्ति चढ़ रहा था अब वो जीना तो है नहीं अब चढ़े कैसे तो वो ऐसे पकड़ करके चढ़ने लगा तो उसने कह दिया तुम्हारे हाथ में पांव रख दी चढ़ अब वो कहे अरे जी गद्दी तो बड़ी गुजूरी है हम जाई पांव रखे रहेंगे ये कोई संभव है ये तो इसके लिए था जरा था ऐसा सहारा देता और ऊपर चढ़ जाता तो ये हस्तावलंबन ऊपर चढ़ने के लिए है ये थोड़ी है जी पकड़ बे के लिए है पकड़ बैठे हो हस्तावलंबन हंस हस्तावलंबन आगम में उसी अवलंबन भी कह दिया गया हो तो परावलंबन बाहर के अवलंबन छुड़ाने के लिए कहा गया हो लेकिन हंत हस्तावलंबन हंत माने हंत का क्या अर्थ होगा हंत क्यों लगाया अरे खेल प्रकट कर रहे हैं हाँ। खेल प्रकट कर रहे हैं और अपने से बड़ा अगर कहे तुम तो हमारे हाथ में पांव धरे साहब आपके हाथ से पांव कैसे धरे उसको बड़ा दर्द होता है वो इतनी जल्दी अगर रखना पड़े मजबूरी में तो ऐसे रखता है मानो वजन कुछ नहीं पड़ा उसके पास और ऐसे उठाकर जल्दी कर दिया उसने ये नहीं है जी बड़ी गुलगुली या सुजाई पर रखे नहीं हम पढ़ो ऐसा नहीं होता हंत माने खेत खेत प्रकट कर रहे हंत हस्तावलंबन
अरे इन भगवंतों का अवलंबन भी छोड़ करके तुम बाहर जाओगे तो हस्तावलंबन भी नहीं होगा। ये भगवंत हस्तावलंबन हमारे लिए, तिरुमणि हस्तावलंबन है। लेकिन तो फिर अवलंबन कौन है? तो मेरो अवलंबन मजमा है। पर का अवलंबन कौन कराता है? कि दवाई कौन खाता है? वैद्य के पास कौन भेजता है? कहो भाई आज कैसे चले आए भूले भटके? अरे साहब 3 दिन से जरा तबीयत गड़बड़ है, कैसे चले आए? आई डिपार्टमेंट, अरे वो आंख में दर्द हो रहा है, जरा जरन जरन की आवाज, साए की आवाज आ रही है। तो कोई दुख है तब तो दुख मिटने के लिए आते हो। अब तुम दुख समझते ही नहीं तो काय के लिए आ रहे हो? अपनी सेठाई दिखाने के लिए के पंडिताई दिखाने के लिए, क्या करने के लिए आए होता? जो जिसको दिखाने की भावना रहती है वो तो आग लगती है उसकी झोपड़ी में। अरे भैया देखने आओ, दिखाने मत आओ। देखने आओ, दिखाने मत आओ। जीवों के अवलंबन वाला ज्ञान नहीं है। देखो आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य है, उसमें ज्ञान नाम का गुण है। आत्मा अपने ज्ञान, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, स्वयं से ज्ञानवान है। ज्ञान कोई अलग है और वह उसे आत्मा ज्ञान वाला हो जाता है और फिर गेह के अवलंबन से ज्ञान होता है। ये तो तुम्हारा इंद्रिय ज्ञान दिखाई दे रहा, ये ज्ञान ही नहीं हम इसको कहते। जो परावलंबन से ज्ञान हो उसे ज्ञान नहीं कहते। कैशियर को अरबपति करोड़पति कहते हैं? कैशियर के वो बैंक का कैशियर करोड़ रुपए रख रहा है, ताला हाथी लगा रहा, चाबी अपने पास रख रहा है, करोड़पति कहोगे? कहो कहो। वह करोड़पति नहीं है, क्यों? पराया धन है ये, पराया धन है ना। और वह ईमानदार है तो पराया ही समझता है। आपने सुना नहीं होगा, एक बढ़िया सा गहना एक साहू के पार के पास एक व्यक्ति रख गया घर पर। कोई फंक्शन का टाइम था तो पत्नी बोली, वो निकाल दो जरा। बोले क्या का तुम्हारा है? निकाल देंगे। अरे नेक्स्ट डे को पहनना ही तो है। अरे पहनना है नहीं पहनना ये क्या मतलब? ये तुम्हारा है पहले ये बता, ये तो उसका है ना। नेक्स्ट डे में क्या फर्क पड़े? अरे फर्क और की बातें ही नहीं। नेक्स्ट डे को अपना मानो चाहे अनंत काल को अपना मानो। और मान लो थोड़ी देर के लिए ही पहन करके जाए और थोड़ी देर में ही अगर वो चोरी चला जाए तो किसका नुकसान होगा? बेईमान कौन से दिक होगा? चाहे एक क्षण को सुख मानो, चाहे सुख मानते रहो, अज्ञानी का अज्ञानी। और परावलंबन का दूसरा शब्द दिया विषयावलंबन। तो जीव दुखी है इसलिए विषयों का अवलंबन करके सुखी होना चाहता है, भ्रांति है इसको। वास्तव में दुखी नहीं है, दुख दूर करने के लिए विषयों के अवलंबन की जरूरत नहीं है। ज्ञान के लिए गेहों के अवलंबन की जरूरत नहीं है। कई बार आपने देखा होगा वस्तु कुछ होती है दिखता कुछ है, होता है। यहां कुछ लिखा है और हम पढ़ जाते हैं जल्दी में कुछ का कुछ होता है, ऐसा तो बहुत होता है। अशुद्ध क्यों पढ़े अगर गेहावलंबी ज्ञान हो तो? अगर गेहावलंबी ज्ञान हो तो यहां तो शुद्ध लिखा है, अशुद्ध क्यों पढ़ रहा है?
ये सिद्ध कर रहा है ज्ञेय के अवलंबन से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। एक बात कही थी पहले भैया, क्या भूलते बहुत हो और याद भी आ जाती है, ऐसा थोड़ी कि नहीं आती। इसका मतलब शब्द ही भूलते हो, भाव थोड़ी भूल जाओगे। भूलना जीव का स्वभाव नहीं है। इतना भी जो शब्द भूल जाते हो ये आपका अश्चर्य उपयोग का कार्य है, उन्हें तो इतना भी नहीं भूलोगे। ज्ञेय के अवलंबन से ज्ञान होता तो ये अशुद्ध क्यों पढ़ने माता। ज्ञेय के अवलंबन से ज्ञान नहीं होता। अगर ज्ञेय के अवलंबन से ज्ञान होता तो वस्तु कुछ है और दिख रही है, कुछ है मत, कुछ और दिख रहा है, ये कुछ और है, ठूंठ दिख रहा है, आदमी खड़ा है खेत में, वस्तु भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। एक बात कही थी पहले, आपको याद है, अरे ज्ञायक का ज्ञान तो ज्ञायक के आश्रय से होता ही है, ज्ञेयों का ज्ञान भी ज्ञायक के आश्रय से होता है। और नहीं तो इन विद्वानों से पूछो, मानव परे ज्ञान का क्या कोर्स है, सिलेबस बता दो ना, इतनी कितनी किताब है उसमें। अवध ज्ञान का क्या कोर्स है, अरे कोर्स निर्धारित करते हो आप लोग और बता नहीं पा रहे अवध ज्ञान का क्या कोर्स है। अच्छा चलो, मत ज्ञान का श्रुति ज्ञान का क्या कोर्स है, और वे कोर्स त्रियंश जीव ने किए थे और हो गया मत ज्ञान। पहले कुमति था, अब उस हाथी का ज्ञान कैसा हो गया, मत ज्ञान श्रुति ज्ञान सम्यक हो गया कि नहीं हो गया, क्या कोर्स किया उसने। आपको वो क्या नाम, मन परे ज्ञान हुआ और अवध ज्ञान भी विशुद्धि से प्रकटता है, ज्ञाति स्मरण ज्ञान भी विशुद्धि से होता है। स्वयं वो श्रीयांश राजा को, ओ ये रूप तो हमने देखा है, हमने हार दिया है इनको, कितने भव पहले की बात, और याद आ गई और झट से उठाया लोग, हे स्वामी ना हो आओ शिष्टो आहार हो गए। ये ज्ञान का भरत महाराज पूछ रहे, हे तात आप हमारे लिए ऋषभ देव के समान पूज्य हो गए, दान तीर्थ का प्रवर्तन आपने किया है, लेकिन हमको ये बताओ आपने भगवान के मन की बात जानने कैसे लगी कि ये आहार खाने लेने आए। बिना कहे हुए जान कैसे ली, कि बस यही तो कह रहे हैं, भक्ति और विशुद्धि में ज्ञान का विकास होता है, संकलेशता में ज्ञान का नाश होता है। ज्ञान में विशुद्धि यार नहीं है, वो ज्ञान अलग है विशुद्धि अलग है, लेकिन विशुद्ध परिणामों में ज्ञान का विकास होता है, आगे बढ़ते चला जाए। इसीलिए आपने देखा होगा जो विनयवान सरल शिष्य हैं वे होशियार हो जाते हैं और उदंड भी वैसे ही रह जाते हैं, दो दो साल फेल हो जाए लौकिक में। ज्ञावलंबी ज्ञान नहीं होता। ऐसा जानकर इस परलक्षी ज्ञान का मद मत करना, और परलक्षी ज्ञान में कमी हो तो ये मत सोच लेना, हम दीनता मत करना, हमारे पास ज्ञान ही नहीं, क्या करें, हमें इतना ज्ञान नहीं, जरूरत भी नहीं है। विचार करो, हमको प्यास लगी, पानी मांगा हमने, बोले साहब हमारे घर शक्कर नहीं है, हमारे घर सोना नहीं है, हमारे घर चांदी नहीं है, हमारे घर सोफा नहीं है, अरे जिनकी जरूरत ही क्या है, प्यास हमें प्यास लगी है, एक लोटा पानी पिला दो, शान करके बस इतना काम है, और करना क्या है,
हमें मालूम है तुम्हारी माँ प्रातः जल पीती हैं, तो हम चले आए पानी पिला, बस खत्म हो रहा। अभी हमें सोनो नहीं, चांदी नहीं है, गिलास नहीं है, बढ़िया चमकता हुआ, इससे क्या मतलब मतलब? अरे कछु नहीं है, ऐसा पिला दे। आत्म कल्याण के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, और ध्यान रखना बहुत ज्ञान बहुत परिग्रह हो जाएगा अगर पढ़ लिखी ज्ञान है। जैसे परिग्रह आत्म कल्याण में बाधक है, ऐसे ये परलक्षी ज्ञान भी बाधक है। ज्यादा अपनी बुद्धि लगाने लगोगे, ज्यादा समझदार सोचने लगोगे, सोई गए काम। वैद्य ने कहा एक खुराक खाना, तीन दिन में खाना। अब उसने सोचा अरे इतनी एक हसी खा लें तो क्या होगा, मरेगा। आचार्यों भगवंतों के द्वारा ये यथानुभूत मार्ग कहा है। इस जिनवाणी को पढ़ करके अपने जीवन को सुधारना, जिनवाणी में सुधार की गुंजाइश नहीं। अपने हिसाब से चलना चाहोगे तो नहीं चल पाओगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे, उल्टी दिशा में चले जाओगे। ये के अवलंबन बारा ज्ञान नहीं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। बहुत भ्रांति हो जाती, बहुत ज्ञानी है, बहुत धर्मात्मा है, बाहर के चिन्हों से मान गए और ठग गए, बातों में आ गए। कबीर कहा था ना, आतंक दे करके डरा करके लूटने वाले तो बहुत कम हैं, प्रलोभन दे करके लूटने वाले बहुत हैं, हंस हंस करके लूटने वाले बहुत हैं। धर्म रतन के चोर चपलत दुर्गंत पंथ सहाई, धर्म रतन के चोर चपलवत, इसलिए तो कहा हंसे सो फंसे। ये बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है। वो सामने वाला जो आएगा वो पहले मुस्कराएगा हंसेगा, भाई देखेगा और हंसेगा मुस्कराएगा आपको, ऐसे सूचन हंसना मत। अगर फंसना नहीं है तो हंसना नहीं, निग्लेक्ट कर देना, पर को पर समझना, निज को निज समझना, उलझन मत आ जाना। बढ़िया व्यवहार को देख करके, मीठी मीठी बातें सुन करके आकर्षण में मत फंस जाना, तेरी सील का नाश हो जाएगा। ऐसे यहां कह रही है, ये पुण्य के उदय की सामग्री देख करके उलझ मत जाना, तेरे आत्मवैभव का नाश हो जाएगा। उपयोग नामक लक्षण को पर से ग्रहण नहीं करता, अपन ज्ञान से रहित तो नहीं है, इसका मतलब पर से ग्रहण करे तो अपना नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आज धोखा यही हो जाता, शहरों में होता ज्यादा, परिचय निकट का तो है नहीं, और बढ़िया ऑफिस बना बैंक से लोन लेकर के, और बढ़िया गाड़ी खड़ी, और बढ़िया टिप टॉप सब अपने खड़ी, और अपन ने सोचा अरे ये तो कितनी बड़ी आदमी भैया, और बस फंस गए, और कहीं पूजा स्वाध्याय से जुड़ गए फिर का पूछू फंस गए, और अरे वो तो बढ़िया है भैया। भेद ज्ञान रखना, सावधान रहना। इंद्रिय ज्ञान की अधिकता देख करके, शास्त्र ज्ञान की अधिकता देख करके, भाषा ज्ञान देख करके मत फंस जाना, भेद ज्ञान को ग्रहण करना। तत्व ज्ञान पर वजन देना, विचारना।
ओम नमः। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे दिन वाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तेरी करना गहे सो पावे सुख चैन।